हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरबी गेमिंग स्क्वाड। और इस सीरीज़ में जो माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखो, जिसको पता है माइनक्राफ्ट का गेम है, आपको मज़ा आएगा। देखो, सीधी सी बात है, मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग इस गेम में। लेकिन जिसको नहीं पता है भाई ये क्या डब्बा डब्बा गेम है यार, देखो भरोसा रखो, मैं भी उन्हीं में से था जिनको ये गेम नहीं पसंद था। लेकिन जब से चालू किया भाई खेलना, बाय गॉड मज़ा आ गया भाई। तो देखो, अभी मेरे साथ रुको, थोड़ी देर रुको, इस वीडियो में गेम में मज़ा आएगा, पक्की बात है। अगर आपको गेम नहीं आता है तो मैं साथ साथ थोड़ा बहुत सिखा भी दूंगा आपको कि कैसे खेलते हैं गेम, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सिंगल प्लेयर मोड में आ गए हमको, तो यहाँ पे अपना नया वर्ल्ड बनाना है, अपनी दुनिया बनानी है, पूरी दुनिया को कुछ नाम देना है। तो यहाँ पे मैं एक नाम मैंने बहुत मेहनत करके सोचा है, मतलब बहुत सारी मेहनत करके, डायमंड। अरे यार, डायमंड अमोंगस नहीं है भाई, डायमंड सिटी। गाइस, डायमंड सिटी है वैसे, चुराया नाम है, बट कोई बात नहीं। चलो गाइस, सारी सेटिंग्स हम डिफॉल्ट रखेंगे, सर्वाइवल मोड है, नॉर्मल मोड पे खेलेंगे हम इसको, समझ रहे हो। गेम लोड हो रहा है गाइस, मैं आपको तब तक फटाफट गेम से जा देता हूँ क्या है। जैसे ही गेम चालू होगा हम लोगों को ये छोड़ देगा लाइक वर्ल्ड में कहीं पे भी, किसी भी लोकेशन पे, और फिर हमको वहाँ से आसपास से चीज़ें वगैरह ले लुआ के हमको खुद का घर बनाना है, फार्म बनाना है, खेती करनी है, ज़मीन में माइनिंग करके हमको आयरन निकालना है, कोल निकालना है, डायमंड निकालना है, गोल्ड निकालना है, मतलब क्या कुछ नहीं भाई, क्या कुछ नहीं। फिर एंड में ड्रैगन से भी लड़ना है, समझ रहे हो। तो ये मज़ा आएगा भाई, धीरे धीरे एक काम करेंगे। इस वीडियो का आज का मेरा टारगेट है कि मतलब एक रहने का छोटा मोटा हमारा घर बन जाए, और हमारे पास कुछ कुछ माल हो और हम थोड़ी बहुत माइनिंग करके आएंगे, समझ रहे हो। कुछ माल हो जाए हमारे पास और एक छोटा सा सर छुपाने के लिए घर हो जाए। अब देखो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है, शाम होने को ही होगी बहुत जल्दी। दिन दिन में हम जितना काम कर सकते हैं हम कर लेते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं करते हुए, तो वो हमको मार देंगे। तो इसीलिए अभी सबसे पहले हमको काम ये करना है कि हम थोड़ी सी लकड़ी कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, बिकॉज लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर। लकड़ी हमको बहुत सारी चाहिए, मतलब लकड़ी हमको काफ़ी चाहिए, क्योंकि लकड़ी से हम लकड़ी के औजार बनाएंगे, हम लाइक लकड़ी से अपना घर के टुकड़े बना सकते हैं, लकड़ी से हम दरवाजे बना सकते हैं, लकड़ी से क्या कुछ नहीं करते। लकड़ी से हम कोयला बना सकते हैं, जो कोल हम ज़मीन में खोद के निकालते हैं ना, आपको पता है अगर हम लाइक लकड़ी को जलाते हैं तो उससे भी कोयला बनता है, समझ रहे हो, चारकोल बनता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो लकड़ी हमारे बहुत लाइक ज़्यादा काम की है, समझ रहे हो। तो हमको अभी एक बार को जितनी लकड़ी मिल पा रही है ना उठा लेते हैं, उसके बाद हम इससे औजार वजार बना लेंगे। देखो एक काम करते हैं, अभी जितनी लकड़ी बनी है ना एक बार औजार बना लेते हैं, उससे हमारे लिए लकड़ी तोड़ना और ईजी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये देखो, ये मैंने ले ली है जितनी भी मेरे हाथ में लकड़ी आई है, थोड़ा रास्ता दो भाई। देखो गाइस, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं आता हूँ अपनी इन्वेंट्री में, यहाँ पे देखो, इस लकड़ी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इससे हमारे पास प्लैंक्स बन जाएंगे, तो मैंने कुछ प्लैंक्स बना लिए हैं, बाकी लकड़ी को भी ऐसा कैसा रखते हैं। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्लैंक्स की मदद से अगर मैं चार ऐसे रखता हूँ तो मेरे को क्राफ्टिंग टेबल मिल गई है, और इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इस क्राफ्टिंग टेबल से हम और चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें। सबसे पहले हमको ये जो स्टिक दिख रही है ना, स्टिक और चाहिए होगी, स्टिक और चाहिए होगी, तो हम इस स्टिक को ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे हम कुछ औजार बना सकते हैं, एक तो हम बना लेते हैं वुडन पिकैक्स, मतलब कुल्हाड़ी टाइप का कुछ होता है ये, और अभी हमारे जो काम आएगा एक तलवार बना लेते हैं, क्योंकि अगर रात हो गई तो ज़ॉम्बीज मारने आएंगे। और हम कुल्हाड़ी ले लेते हैं, कुल्हाड़ी क्योंकि अभी हमको बहुत सारे पेड़ तोड़ने हैं, तो मैं दो कुल्हाड़ी ले लेता हूँ, और अभी के लिए मेरे पास इतना ही सामान है। तो गाइस, सबसे पहले अब ये जो मेरा इसका काम हो गया, मैं इसको तोड़ देता हूँ, और तोड़ के मैं इसको वापस उठा लेता हूँ, ताकि अब मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस चलो फटाफट हम एक पेड़ तोड़ने की उस पर जाते हैं, और जल्दी जल्दी हम जितने पेड़ तोड़ सकते हैं ना हम जल्दी से पेड़ तोड़ के आते हैं। ओके गाइस, तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है, लगभग 54-55 लकड़ियाँ हो गई है गाइस, मतलब मज़ा ही आ गया भाई लकड़ियाँ निकाल के। बल्कि और ले लेते हैं यार, थोड़ी सी और ले लेते हैं, दो चार। अब गाइस हमको क्या करना है, ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम अपना घर बना सके फिलहाल एक बार रहने के लिए, जहाँ पे हमको थोड़े पत्थर वत्थर भी मिल जाएंगे, लेकिन पत्थर हम ज़मीन से निकाल लेंगे अगर नहीं भी मिले तो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं दोस्तों, ऐसी जगह ढूंढने जहाँ हम अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि घर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात होती ही होगी ज़ॉम्बीज आने को होंगे, तो मेरे को लगता है अब हमको जाना चाहिए बहुत। अब लालच बुरी वाला है गाइस, लालच बुरी वाला है, देखो शाम होने वाली है बहुत जल्द, तब हम चलते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ हम अपना घर बना पाएँ, और अगर बाय चांस उससे पहले हमको वो जगह मिलने से पहले अगर रात हो गई तो मैं यहीं ज़मीन में गड्ढा गाड़ के मतलब सो जाऊंगा भाई, मैं ज़मीन में गड्ढा करके सो जाऊंगा लेकिन मरना नहीं है भाई, इतना सारा सामान इकट्ठा किया है और इतनी मुश्किल से किया है ना कि अब मरना नहीं है भाई, क्योंकि हम मर जाते हैं ना गाइस इस गेम में, तो सामान हमारा सारा गायब हो जाता है। तो मेरे को बस कोई ऐसी प्लेन जगह चाहिए जहाँ, अरे उस साइड काफ़ी प्लेन जगह है, इस तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी प्लेन जगह है, तो हम यहाँ अपना कहीं घर बना सकते हैं। वाओ, ये एरिया आई लाइक इट गाइस, क्या ही एरिया मिला है, यहाँ हम अपना घर बनाएंगे दोस्तों। गाइस चलो हम यहाँ अपना घर बनाएंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जल्दी से थोड़ा एरिया क्लीन कर लेते हैं, अभी बिल्कुल छोटा घर बनाएंगे। अरे बहुत बढ़िया गाइस, ये हमको चाहिए क्योंकि हमको
इनसे वूल मिलेगा जिससे हम अपना पलंग बना सकते हैं। तीन चाहिए हमको सेम कलर की, तीन चाहिए हमको सेम कलर की। अरे कहाँ गिर गई, अरे कहाँ जा रही है बेटा। ओके गाइस, एक वूल मिल गया मुझे, एक वूल मिल गया मुझे, मुझे और वूल चाहिए रहेगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, तीन मिल जाएगा गाइस, मेरा बिस्तर बन जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। अरे अंदर गड्ढे में मत गिर, गड्ढे में मत गिर। ओके गाइस दो मिल गया है, एक और चाहिए वो रहा। गाइस मेरा बेड बन जाएगा भाई, मैं रात को सो पाऊंगा चैन से। क्या चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। गाइस हो गया काम, आज का काम हो गया है। अभी हम फटाफट यहाँ थोड़ा एरिया क्लीन कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेड़ की भंडार है भाई, हमारा बहुत काम हो जाएगा यहाँ पे गाइस, मजा आ जाएगा। अभी सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ मैं, और यहाँ से मैं ये जोतने वाला बना लेता हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत सारी स्टिक चाहिए होगी, तो उस स्टिक के लिए एक तो मेरे को जो प्लैंक्स प्लैंक्स मिला मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो मुझे तो प्लैंक्स काफ़ी चाहिए रहेंगे, तो मैं अभी इन प्लैंक्स को रख लेता हूँ यहाँ। और इन प्लैंक्स की मदद से मैं बना सकता हूँ ये खोदने का, बहुत सारे बना लेते हैं क्योंकि हमारे काम आने वाले हैं। तो लाइक एक दो तीन, तीन बहुत है, तीन से ज़्यादा तो अभी हमको जरूरत लग नहीं रही है मेरे को, ठीक है। और हम क्या बना सकते हैं, चेस्ट बना सकते हैं, चेस्ट रख लेते हैं, जब हम अपना घर बनाएंगे उसमें हम सामान रख सकते हैं, ठीक है। गाइस चालू करते हैं खोदना, ये मैंने यहाँ ले आता हूँ इसको, बाकी का सामान अभी ऊपर रख देता हूँ, मेरे को अभी जस्ट जरूरत नहीं है इस सामान की, ठीक है। बाकी सब मेरे पास है, स्टिक को भी ऊपर रख देते हैं, स्टिक की भी हमको जरूरत नहीं है। गाइस तो यहाँ इस एरिया में मैं अपना घर बनाने वाला, तो मैं यहाँ का थोड़ा सा अभी लेवल कर लेता हूँ घर, अभी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे गाइस, अभी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना करेंगे कि हम अपना सर छुपा पाएँ, समझ रहे हो। तो जल्दी से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अभी मैंने थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पे क्लीन कर दिया है, अब यहाँ पे हम अपना एक टेम्परेरी छोटा सा घर बना लेते हैं। ये थोड़ा बहुत एरिया तो हम और क्लीन करते रहेंगे टाइम के साथ, ठीक है। मैं सबसे पहले ना यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्स बना लेता हूँ, क्योंकि अभी हम प्लैंक्स, हमारे पास प्लैंक्स काफ़ी हैं, फिर भी मैं और बना लेता हूँ, तो हम इन प्लैंक्स से अभी घर बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इन प्लैंक्स को मैं ले आता हूँ नीचे, एंड मैं यहाँ पे अपने घर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देने लगता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे अभी, गाइस घर अच्छा बनाएंगे बाद में, अभी सिर्फ सर छुपा, मतलब जिसमें हम छुपाना नहीं है, मतलब रात को रह ले, क्योंकि गाइस बहुत जल्दी रात होने वाली होगी, इसलिए अभी बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एक रहने जितना घर बना पाए, समझ रहे हो। एक यहाँ पे दरवाजे के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। डबल डोर गेट रखेंगे, डबल डोर गेट रखेंगे गाइस, डबल डोर गेट रखेंगे, रात होने वाली है गाइस, बहुत जल्द रात हो जाएगी, अभी पता भी नहीं पड़ेगा, एकदम रात हो जाएगी, समझ रहे हो, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए, अरे यार जल्दी से घर कंप्लीट करते हैं भाई। यहाँ पे मैं ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बना रहा हूँ अभी के लिए, अभी सिर्फ इतना बनाएंगे कि भाई मरना नहीं है, क्योंकि इतना सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया ना बहुत मेहनत करके, कि अब मरना नहीं है, समझ रहे हो। ये ज़ॉम्बी से तो नहीं मरना है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये लकड़ी का घर भी, अरे पर एक लफड़ा हो गया कि मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। अरे गलत, एक गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के अंदर ही है, बाद में भी कर सकते। अरे ख़त्म हो गए भाई प्लैंक, ख़त्म हो गए, तो हमको प्लैंक और बनाने पड़ेंगे दोस्तों जल्दी से। देखो शाम हो गई है गाइस, शाम हो गई है, जल्दी से प्लैंक्स बना लेते हैं थोड़े बहुत, और हमारे जितने भी अभी चाहिए हमको, आई थिंक सो अभी के लिए इतने में काम हो जाएगा। इनका कलर अलग है बट कोई बात नहीं गाइस, अभी के लिए मतलब बस काम चला लो भाई, रात हो गई है। अरे यार यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ से नहीं लगेगा, ये यहाँ से नहीं लगेगा, वो आते ही होंगे भाई है करते हुए। अरे गाइज ये देखो, ये देखो, ये देखो आना चालू हो गए, ये देखो ये आना चालू हो गए, जल्दी जल्दी हमको घर पूरा करना पड़ेगा गाइज। मर जा मर जा मर जा मर जा भाई मर जा, ये गाइज ज़ॉम्बी से ये रात को आ जाते हैं मारने। ओके गाइज जैसे जैसे मार दिया एक को, तो बट ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, हमें काम करते हैं अभी, एक बार घर ब्लॉक करते हैं, यहाँ से ब्लॉक करते हैं, फिर हम करते हैं गाइस, अभी करते हैं, समझ रहे हो तुम, करते हैं हम अभी, यहाँ से अंदर से इसको बनाते हैं, क्योंकि बाहर खतरा है, बाहर बहुत खतरा है भाई। अरे यार गलत गलत लग जाते हैं ना भाई, देखो गाइस अंधेरा हो गया, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा दिखना कम हो गया होगा हमको, बट लाइक अभी मजबूरी है तुम समझ रहे हो, अब छत ढकनी है हमको, छत के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा वो तो क्राफ्टिंग टेबल बाहर है, जल्दी जाके मैं क्राफ्टिंग टेबल लेके आता हूँ। जल्दी से इसको वापस ब्लॉक कर देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे हम दरवाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे हम दरवाज़ा लगाएंगे, समझ रहे हो तुम। ओह गाइस जैसे जैसे एक बार हम अंदर आ गए हैं, अभी भी छत हमारी खुली है, तो छत कवर कर लेते हैं। अरे फिर ख़त्म हो गए। ओके गाइस तो यहाँ पे अभी थोड़ा अंधेरा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब हमको थोड़ा सा सहना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा सहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास वो नहीं है,
अरे मेरे पास 3 वूल है ना गाइस, सो जाते हैं, एक काम करते हैं, सो जाते हैं। देखो 1, 2, 3 रखा हमने और 3 हमको रखने हैं प्लैंक। ये तो वूल है, वूल नहीं, अरे प्लैंक नहीं है यार मेरे पास। रुको गाइस, पहले प्लैंक बनाने पड़ेंगे हमको। ये देखो 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ये देखो गाइस, बिस्तर बन के आ गया और अभी हम सो जाते हैं। बस अभी रात हो गई है, अब सो जाते हैं, सुबह मिलेंगे गाइस। The next day. Okay guys, सुबह हो गई है तो अब हम वापस काम पे जा सकते हैं। इस बेड को अभी हटा देते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा घर ज़्यादा छोटा हो गया। आई थिंक सो, थोड़ा सा घर ज़्यादा छोटा हो गया है तो अभी हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि दिन हो गया है। तो अभी हम थोड़ा काम कर लेते हैं। आई होप बाहर कोई वो ना हो भाई, आई होप ना हो, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा तोड़ना पड़ेगा हमको, बिकॉज समझ लो ना, घर थोड़ा सा छोटा हो गया है तो ये वाली पूरी दीवार हमको तोड़नी पड़ेगी। और मेरे पास पत्थर भी नहीं है यार, मेन दिक्कत वो है कि मेरे पास पत्थर नहीं है। वो हम माइनिंग करने जाएंगे अभी, समझ लो। तो हमारे को ज़मीन में से बहुत सारा पत्थर मिलेगा, फिर हम अपना घर पत्थर से भी लाइक पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने घर के लिए। बट एक बार थोड़ा सा रहने लायक जगह मिल जाए ना भाई, तो मज़ा ही आ जाएगा, समझ रहे हो। तो भाई जल्दी से तुम टाइम लैप्स देखो कि मैं कैसे इस घर को तोड़ के वापस से सही बनाता हूँ। ओके गाइस, इतना हो गया है। अब हमको बनाना है, अब हमको क्या बनाना है, अब हमको एक तो डोर बनाना है। सबसे पहले प्लैंक्स हमको और चाहिए होंगे, तो हमने जो इतनी सारी लकड़ी तोड़ी है, पहले हम उससे थोड़े बहुत अच्छे खासे प्लैंक्स और बना लेते हैं। ये लकड़ी भी हमारे अभी बहुत काम आएगी क्योंकि अब इससे हम चारकोल बनाएंगे। मैं बना लेता हूँ गाइस एक दरवाज़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम ना क्या हुआ, दरवाजे के लिए मेरे पास सामान नहीं है। दरवाज़ा बना लेते हैं गाइस, ताकि हम दरवाज़ा लगा सकें अपने घर पर। तो 1, 2 और यहाँ से हम इसको कर देते हैं बंद। कहाँ है प्लैंक्स? ओके गाइस, अब मेरे हिसाब से हमारा अभी के लिए जस्ट अभी के लिए गाइस रहने को हमारा घर बन चुका है। तो अब हमको माइनिंग करने जाना है ताकि हमको पत्थर मिल सके। देखो गाइस, क्या बात है, ये अंदर की तरफ से खुलता है, अंदर ही खुलता है क्या? चलो क्या फ़र्क पड़ता है, अरे ऊपर से तो खुला रह गया, कोई बात नहीं। तो गाइस अब हम जाएंगे माइनिंग करने, बट मुझे थोड़ी सी भूख सी लग रही है तो हम थोड़ा बाहर शिकार करके आ सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बाहर माइनिंग करके आ सकें। इन सारे सामान को ऊपर रखते हैं, बेड को भी अभी ऊपर रखते हैं, चेस्ट हम यहाँ रख सकते हैं गाइस। चेस्ट अभी हम घर में है ना, जब तक हम एक्स्ट्रा सामान यहाँ चेस्ट में रखेंगे, समझ रहे हो। तो इस चेस्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ एक और चेस्ट बना लेता हूँ, जिससे क्या हमारा डबल चेस्ट में मतलब सामान मस्त आ जाएगा, समझ रहे हो। ये चेस्ट रख दीजिए, डबल चेस्ट हो गया, कितना सारा सामान आ सकता है इसके अंदर। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या चाहिए था, तलवार मैंने बना ली थी ना, ठीक है गाइस। चलते हैं थोड़ा पहले खाने का सामान लेके आते हैं कुछ, और साथ साथ में और भी कुछ मिलेगा तो हम ले लेंगे। ये खा सकते हैं, बट ये रोशन फ्लैश है, मतलब ख़राब हो गया फ्लैश, तो इससे हमारी हेल्थ कम भी हो सकती है। ओके गाइस, तो आसपास कोई है क्या जिसको हम खा सकें? अरे पर मुझे अपने घर का रास्ता नहीं भूलना है, तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लेता हूँ अपने एफ थ्री दबाए मैंने 63, 65, 198 चेस्ट को मैं 65 कर सकता हूँ, 65, 197 ये ठीक है, 65, 195, 197 ठीक है, XYZ 65, 195, 197 ओके गाइस। अब हम चलते हैं आसपास के किसी एरिया में कुछ ना कुछ देखने, कोई मर जाए हम, मतलब कोई मिल जाए हमको। अरे गाइस क्या बात है गाइस, हमको यहाँ पे कोयला मिल गया है और पत्थर भी मिल गया है। तो अभी हम यहाँ से थोड़े से कोयले और थोड़ा पत्थर लेके चलते हैं, जिससे हमको फर्नेस बनाने में आसान हो जाए। ये कोयला है गाइस, ये कोयला, अभी हम इससे खाना पका सकते हैं और इससे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मैं अभी बताऊँगा आपको। ये हमारे गाइस हमको खान मिल गई है, इस खान के भी हम अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज इस खान के अंदर बहुत सारे अंधेरा है ना अंदर, तो अंधेरे में बहुत सारे वो भयानक डाकू वाकू हो सकते, समझ रहे हो, डाकू नहीं वो मतलब वो है करने वाले ज़ॉम्बीज़ और वो सब हो सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर जाएंगे जब हम पूरे तैयार होंगे, जब हमारे पास बहुत सारा पत्थर होएगा, अच्छे हथियार होंगे, तब हम अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ से अब हम बस ये कोयला लेके और थोड़ा बहुत ये स्टोन लेके पत्थर लेके चलते हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो हम ये मेरी पिकेक्स टूटने वाली है वैसे तो कायदे से। ओके गाइस, कोल तो हमको जितना मिला हमने ले लिया, अब हम यहाँ से ले लेते हैं ये स्टोन, ये पत्थर है गाइस, ये पत्थर, इस पत्थर से हम पत्थर के औजार बना सकते हैं, ये और स्ट्रांग होते हैं और अब हम इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, समझ रहे हो। फर्नेस बना सकते हैं हम इससे, जिसमें हम खाना पकाएंगे और भी बहुत कुछ पका सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये पत्थर लेके चलता हूँ, अभी हमको इन्हीं की ज़रूरत है, तो जल्दी से जितने पत्थर मिलते हैं लेके चलता हूँ। ओके गाइस, तो थोड़े से पत्थर तोड़ने के बाद एक्चुअली मेरी वो पिकेक्स टूट गई है, तो फिर भाई आप तुम समझ रहे हो, मतलब पिकेक्स टूट गई है तो हमारा कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो अब हम चलते हैं, जितने पत्थर मिले हैं एक बार उनसे हम काम लेते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है घर, आई नो गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा महल बनाऊंगा, मेरा सपना है इसमें
बहुत अच्छा घर बनाने का, बट अभी हमको सामान इकट्ठा करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो हम अच्छा घर बना पाएंगे ना, समझ रहे हो। तो अब मैं यहाँ पे आके करता हूँ, जो हमको पत्थर मिला है ना, उस पत्थर से हम बना सकते हैं फर्नेंस। ये देखो गाइस, ये बन गई है फर्नेंस। और इस फर्नेंस से क्या होता है मैं तुमको बताऊँ, पहले इस फर्नेंस को लगा देता हूँ। फर्नेंस लगा दी, अब इस फर्नेंस से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। कोयला है हमारे पास और भी बहुत कुछ है, अभी जब हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ हम खाना पका सकते हैं। रॉ मटन है हमारे पास और यहाँ पे चारकोल है, जो मैं इतना तो नहीं देने वाला हूँ, एक दो चारकोल ला देते हैं। गाइस खाना पक रहा है हमारे लिए, खाना पक रहा है हमारे लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चारकोल हमारे पास और है गाइस, तो हम यहाँ पे टॉर्च बना सकते हैं, क्योंकि टॉर्च हमारे बहुत काम आएगी। टॉर्च कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही, हम ऐसे ही बना लेंगे गाइस, एक या तीनों ही बना लेते हैं, इतनी तो बना सकते हैं हम टॉर्च। ये देखो गाइस, एक दो तीन, 12 टॉर्च बन गए गाइस हमारे पास। इस टॉर्च को हम जमीन में लगाएंगे। एक काम करते हैं गाइस, टॉर्च और बना लेते हैं, हमारे पास लकड़े की कमी थोड़ी है भाई। मैं इतना लकड़ा क्यों तोड़ा है, मैंने इतनी मेहनत से इतना लकड़ा क्यों तोड़ा है, ताकि हमको कमी ना पड़े भाई कहीं भी। ठीक है गाइस, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, पहले स्टिक बनाते हैं, बहुत सारी स्टिक बना लेते हैं 20 के हिसाब से स्टिक बना लेते हैं गाइस। ठीक है, ये देखो, ये 64 स्टिक यहाँ आ गई, 16 स्टिक यहाँ आ गई। और अब हम इससे टॉर्च बना लेते हैं, जितनी और टॉर्च बना सकते हैं। ठीक है, 6 टॉर्च हमारे पास, 6 कोयला था, 6 से हमने और टॉर्चेस बना लिए गाइस। अब और हम क्या कर सकते हैं, स्टिक है हमारे पास, पत्थर है हमारे पास, तो हम पत्थर की पिकेक्स बना सकते हैं, जिससे हम खुदाई कर सकें। और गाइस अब चालू होने वाला है, तुम समझ रहे हो, अब चालू होने वाला है हमारी खुदाई का सेशन। तो अभी मैं जमीन के नीचे खोदने जाऊंगा, तो उसके लिए मैं पिकेक्स बना लेता हूं, जितनी मेरे को ज़रूरत लगती है। इससे मैं कुछ बना पाऊंगा क्या, ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन है, और इसमें अगर मैं स्टिक रखता हूं तो इसका कुछ बनता है, इसका कुछ नहीं बनता है गाइस, इसका कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे मेरा खाना पक गया होगा गाइस, खाना पक गया तो हम खाना खा लेते, क्योंकि भूख तो लगी ना भाई, भूख लगी है भाई। अब देखो मैंने क्या किया है, अरे रुक जाओ, पहले खाने दो, शांति से खा लेते हैं। अब गाइस तुम समझो, अब हम यहाँ, ये है गेम माइनक्राफ्ट, तो इसमें माइनिंग नहीं की तो क्या किया, तुम समझ रहे हो। तो अब मैं यहाँ से इधर इस कोने से, पहले मैं यहाँ बेड लगा देता हूँ अपना, ताकि मैं रात को जब थक जाऊँ तो मैं आके सो सकूँ, तो मैं बेड अपना इस साइड ही लगा लूँ। वाह, ये चलो चलो गाइस, चलने दो, ऐसे ही चलने दो। एक काम करते हैं, हमको कोयला और चाहिए रहेगा, तो मैं ना एक काम करता हूँ, इस ओक लॉग को मैं जला देता हूँ, इस कोयले को साइड रखते हैं। अब ये जो जलेगा ना गाइस, मैंने क्या किया, देखो प्लैंक नीचे डाला है और वो लकड़ी ऊपर डाली है, लॉग ऊपर डाला है, तो ये जल के, ये भी लकड़ी भी तो जलती है, ये हमको चारकोल दे देगा। तो ये समझ रहे हो, मैं आऊँगा तब तक हमारे पास काफ़ी चारकोल हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ तोड़ी थी। ये चारकोल से हम बहुत कुछ बना सकते हैं भाई, मतलब अभी बहुत सारी टॉर्चेस मेरे को लगेगी। अभी हम जाएंगे कहीं ज़मीन के अंदर खुदाई करने, तो मैं देख लेता हूँ, मेरे को और तो कुछ नहीं रखना है, खाना चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे पास है, ये खुदाई के लिए मुझे और चाहिए रहेगी। मेरे पास पत्थर खत्म हो गया, तो अभी नीचे से ला के और बना लेंगे, बट आई थिंक सो अभी के लिए वी आर गुड टू गो। इस कोयले को यहाँ रख लेते हैं और स्टिक को भी, अभी स्टिक को चलो यहीं रहने देते हैं गाइस। चालू करते हैं खुदाई हम यहाँ से, चलो गाइस, यहाँ से करने वाले थे ना हम खुदाई, यहाँ से, इधर से। ओके गाइस, यहाँ से हम नीचे की तरफ खुदाई करने जा रहे हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं इस हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। ओके गाइस, चलो हम आ गए हैं गाइस खुदाई करने। यहाँ पे एक थोड़ा सा लफड़ा हो गया कि मैं जो सीढ़ियाँ बना रहा था वो मतलब तुम समझ रहे हो ना, सीढ़ी सही से नहीं बनी है, तो यहाँ पे हम सीढ़ी को सही करते हुए चलेंगे, बिकॉज सीढ़ी सही नहीं बनी तो वापस आते में हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा अंधेरा है, तो अभी हम टॉर्च लगा देते हैं, एक टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे। और कैसे लगाते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा ऐसे, ओके ओके, बढ़िया, हमने टॉर्च लगा दी गाइस। और अब हम खुदाई करना चालू हो गए हैं, और अब बहुत जल्द नीचे तुमको मिलेगा पत्थर, समझ रहे हो। ये मिट्टी तो थोड़ी सी ही है, अभी बहुत जल्द तुमको देखो पत्थर दिखने लग गया होगा, नीचे पत्थर दिखने लग गया होगा। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया, अरे भाई, मैं तो किसी गुफा में निकल गया। अरे तलवार का है, मेरी तलवार का है भाई, ये मार देगा मेरे को, प्लीज मर जा। अरे यार गाइस, मेरा सारा सामान नहीं गिर गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं कहाँ आ गया हूँ
अरे भाई मेरे को अपने घर पे वापस जाना पड़ेगा, 65 रात हो रखी है गाइज, मर गया यार, मैं सोया भी नहीं था इसलिए मेरा स्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं है गाइज। कोई बात नहीं, जल्दी से मैं वापस अपना घर ढूंढता हूँ। 65 195 197। बाय गॉड, तुम मानोगे नहीं, कम से कम 40 मिनट मुझे घर ढूंढने के बाद वो घर मुझे मेरा वहाँ नज़र आया बहुत दूर, क्योंकि मैं गधों की तरह, अब मेरे कोऑर्डिनेट्स 197 था, 65 65 197, मैं गधों की तरह 65 65 -197 से जा रहा हूँ, समझ रहे हो, गधा ही हूँ भाई मैं यहाँ पे मेरे। अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए गाइस, फटाफट घर चलते हैं, अब घर दिख गया है तो अब मुझे घर से दूर नहीं जाना है भाई। अरे यार झाड़ पत्ती हट जा, साला घर दिख के भी मार दिया भाई, क्या मतलब गंदा गंदा गेम हो गया। अरे यार फिर से मैं बहुत दूर आ गया, चलो अब मैं सीधा घर के अंदर ही मिलता हूँ तुमको। गाइस लिटरली कह रहा हूँ इस गेम की 2 रातें गुजर चुकी है मुझे सिर्फ अपने घर तक पहुँचने में। मैं अब कुछ नहीं करूँगा, सीधा घर में घुस रहा हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ गाइस। मेरा दिमाग फट गया है भाई, मेरा दिमाग फट गया है गाइस। अरे भाई अभी कोई माइनिंग नहीं करनी है, सो जाओ भाई। कैसे मैं घर पहुँचाऊँ भाई, कैसे मैं पहुँचाऊँ तुमको बता नहीं सकता हूँ भाई, हालत ख़राब। ओह गुड मॉर्निंग। तो गाइस हमको एक चीज़ पता पड़ गई है कि हमारे नीचे बहुत ख़राब हालत है। इस यहाँ पे नीचे जाते जाते तो एक सुरंग मिल जाती है भाई, मतलब सुरंग क्या, पूरी गुफा। तो वहाँ पे जो बंदे हैं उनसे लड़ने के लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा, मेरी सारा सामान मेरे हिसाब से वहाँ से चला गया होगा, आई एम नॉट श्योर, कुछ बचा होगा। तो अब मुझे गाइस लकड़ी वकड़ी बहुत कुछ चाहिए होगा, गाइस बहुत कुछ वापस से चाहिए होगा। यहाँ पे मेरे पास चारकोल तो बहुत सारा है, थोड़ी बहुत लकड़ी बची हुई है हमारे पास, बहुत बढ़िया थोड़ी बहुत लकड़ी बच गई है गाइस, इस लकड़ी से हम कुछ बना सकते हैं। अच्छा ये तो प्लैंक्स है। ओके गाइस तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, बिकॉज बहुत माथा बची होगी आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, माइनिंग करेंगे अंदर, जो भी हमारा सामान वगैरह था, सामान तो मेरे हिसाब से चला गया होगा, हम जो भी सामान हमारे पास था पहले वो सर हम वापस बनाएंगे, बहुत सारी लकड़ी लेकर आएंगे, मैं टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से करेंगे। और वो जो नीचे की गुफा थी ना, वहाँ पक्का कुछ ना कुछ मस्त माल मिलेगा, आयरन वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। तो गाइस फटाफट चलते हैं, लाइक करो पहले वीडियो को, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।